सब्सक्राइब कीजिए भूमि भाटिया चैनल और साथ ही दबाइए बेल आइकन ताकि आप रहे अपडेटेड हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशंस से। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल भूमि भाटिया मेकओवर। और आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एयर ब्रश मेकअप विद एडवांस हेयर स्टाइल के साथ में विद प्रोडक्ट्स के साथ में आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, आप भी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल भूमि भाटिया को। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने एयर ब्रश ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल है जिसमें मैंने एडवांस हेयर स्टाइल भी आपको थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है जो मैं फ्रंट का हेयर स्टाइल बनाऊंगी। देन आप देख सकते हो और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोडक्ट्स के साथ में इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगी। आई होप आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए और आप लोग मुझसे हमेशा जुड़े रहें। सो गाइस, सबसे पहले हमेशा आप मेरी जब भी कभी भी वीडियो देखते हैं तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आईब्रो को फिल करना। सो मैंने जो ब्राउन कलर का जो जेल लिया है वो मैंने पैक का लिया है और उससे ही मैंने इनके आईब्रो को फिल किया है। और उसके बाद में मैंने लिया है क्रायलोन का FS27 और देन उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से ब्लेंडिंग की है और एक ब्लेंडर की सहायता से आप इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आई के ऊपर इसलिए बेस लगाया जाता है कि किसी का बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है, स्किन डार्क है, या फिर आप एक अच्छा लुक देना चाहते हैं आई मेकअप को, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। मैंने इनको कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की कोशिश की थी बट एक्चुअली इनको बिल्कुल भी सूट नहीं आया और इनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने उनको रिमूव कर दिया। उसके बाद मैंने हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लिया है, उसमें से मैंने डियर पीच कलर का जो क्रीज लाइन है उस पर अप्लाई किया है और उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। देन उसके बाद थोड़ा सा डार्क शेड मैंने पीच कलर का ही लिया है, आप देख सकते हैं आउटर कॉर्नर पर लिया है ताकि जो आई लुक है थोड़ा डिफरेंट हो और लुक वाइज भी बहुत अच्छा दिखे। देन उसके बाद मैंने थोड़ा और डार्क शेड लिया है ब्राउन शेड का और उसी आउटर पर ही मैंने अप्लाई किया है जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे मेन बात होती है कभी भी आई मेकअप आप करते हैं तो ब्लेंडिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए और जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने हल्का सा रेड शेड लिया है, बहुत हल्का सा। देन उसके बाद में मैंने जो लोअर लैसेज है वहाँ पर मैंने थोड़ा ब्राउन शेड दिया है, ब्राउन शेड से अप्लाई की है आई शेडो ताकि एक लुक अच्छा सा क्रिएट हो, आई मेकअप थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे आपका, तो इसीलिए मैं इसको अप्लाई किया है। देन उसके बाद में मैंने जो मेबलिन का जेल लाइनर है ब्लैक कलर का उसको अप्लाई किया था और उसके बाद मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन की जो बेस पैलेट होती है उसमें से मैंने ये शेड लिया है जो कि इनकी स्किन के अकॉर्डिंग है और इस तरीके से क्रीज लाइन पर मैंने अप्लाई किया है। फ्रंट पर मैं करूँगी हाफ में ही और उसके ऊपर आप देख सकते हैं मैंने सिल्वर शेड दिया है आई शेडो का जैसे कि आप देख सकते हैं। और बहुत आपको बहुत ही क्लियरिटी से आपको देना होता है, आप जो एक लाइन बनाते हैं उसको भी प्रॉपर आपका मेंटेन होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में आपको मर्ज करना होता है जो कलर होते हैं उन दोनों को मर्ज करना होता है ताकि आपका जो आई मेकअप है वो उभर के आए और आपका ऐसा ना लगे कि बिल्कुल डिफरेंट सा अजीब सा हो गया है। उसके बाद मैंने रेड शेड दिया है दोबारा और जैसे कि आप देख सकते हो, और उसको आपको मर्ज अच्छे से करना होता है, आप देख सकते हो। उसके बाद में मैंने ग्लैम विस्टा का, मुझे बहुत अच्छा लगता है हाइलाइटर, वो मैंने लिया है और मैंने इनकी ब्रो बोन पर अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने मेबलिन का ही जेल लाइनर लिया है और उसको अप्लाई किया है क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग भी है, अच्छा भी है, स्टे भी करता है। देन जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अप्लाई कर लिया है लाइनर को और मैं थोड़ा विंग लाइनर इनको दूंगी। और आई मेकअप भी आप देख सकते हैं कि कितना मतलब आप देख सकते हैं फिनिशिंग में आपको करना होता है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मैंने पैक की ही आईलैशेस लगाई हैं और यह आप देख सकते हैं ये मैंने इनसाइड का ग्लिटर अप्लाई किया है जिसकी शेड सिल्वर है और उसको मैंने जहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहीं पर अप्लाई किया।
उसके बाद मैंने ये, आपको अपने क्लाइंट का CTM वगैरह करना बहुत जरूरी होता है। पहले आप अपने क्लाइंट की स्किन को प्रिपेयर करेंगे मेकअप के लिए। जब भी आप एडवांस मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, HD मेकअप करते हैं तो आपको CTM करना बहुत कंपलसरी होता है। नहीं तो आप एक फेस मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपने क्लाइंट को पहले सबसे गुड वाइब्स का मैंने मॉइस्चराइजर यूज़ किया है, देन उसके बाद मैंने मेबलिन का किया था प्राइमर यूज़, उसके बाद मैंने ये फर्शाली का फेशियल ऑयल यूज़ किया है ताकि जो क्लाइंट की स्किन है नेचुरल और ग्लोइंग दिखे, और उसके बाद मैंने निक्स का लिया है इल्यूमिनेटर जो कि एक ग्लोसी स्किन, एक नेचुरल और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए, जब भी आप मेकअप करते हो तो ग्लोसी ग्लोसी मेकअप चाहिए तो आपको इल्यूमिनेटर लगाना होता है, जैसे कि मैंने लगाया है। देन उसके बाद में मैं इसको अच्छे से उनकी स्किन में मर्ज कर दूंगी ताकि आपका जो बेस है वो परफेक्ट हो। मैंने देखा है कि मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से बहुत अच्छे से इसको स्मज कर दिया उनकी स्किन में। आपको कोई भी प्रोडक्ट्स लगाना है तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छे से करनी होती है। सो गाइज, उसके बाद में हमने लिया है NYB का कलर कैरेक्टर जो कि शेड है ऑरेंज शेड, और जितने भी आपके फेस पे पिगमेंट होती है डार्क सर्कल वगैरह या स्पॉट्स वगैरह होते हैं पिंपल के, तो उनको आप हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है ऑरेंज कलर कैरेक्टर। सो जैसे कि आप देख सकते हैं। देन उसके बाद में आपने देखा है मैंने लिया है ये क्रायलोन का FS47 शेड नंबर, देन उसको मैंने एक ब्रश की सहायता से जो बेस है उसको अप्लाई किया है, और उसके बाद में हम ब्लेंडर की सहायता से उसको अच्छे से हम ब्लेंड कर देंगे ताकि जितना भी प्रोडक्ट है वो उनकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, कभी भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपको 2 या 3 सेकंड का थोड़ा स्टे करना होता है दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करने में। सो जैसे कि आपने देखा है मैंने ये Temp2 का फाउंडेशन लिया था जिसकी शेड आइवरी है, और मैंने एयर ब्रश मशीन से उसको स्प्रे किया था। देन उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने फिट मी का कॉम्पैक्ट लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं, और उसके बाद में आप जैसे कि मैंने आपको बताया फाउंडेशन जिस टाइम पर लगाते हैं देन उसके बाद आपको 1 या 2 मिनट आपको थोड़ा स्टे करना पड़ता है, उसके बाद आप अप्लाई कर दें। देन मैंने उसके बाद पैक का ट्रांसलूट पाउडर यूज़ किया है, और उसको आप एक ब्रश की सहायता से उसको भी आप अच्छे से मर्ज कर देंगे उनकी स्किन में। देन उसके बाद में मैंने पैक की ही ड्राई कॉन्टूर ली है जो मैंने उनकी नोज़ पर देन चीक पर उनके अप्लाई किया है, और ये मैंने शुगर का ब्लशर यूज़ किया है जिसकी शेड पीच है, और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ब्राइट का जो फेस है बहुत अच्छा एट्रैक्टिव दिखने लगता है, क्योंकि ज़्यादातर आपको ये देखा होगा कि जब तक क्लाइंट को लिपस्टिक नहीं लगती है तब तक पूरा गेटअप नहीं आता है। और मैंने जो आपको दिखाया है मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर यूज़ किया था, देन उसके बाद में मैंने CP2 की लिपस्टिक यूज़ की है जिसकी शेड नंबर रेड है, और शेड नंबर मैं शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, बट शेड इसकी रेड है जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आता है। उसके बाद मैंने NYX का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, और थोड़ा सा मैंने आई शेडो ली है और मैं उसको अच्छे से लोअर लेसेस के आसपास ब्लेंडिंग उसकी कर रही हूँ, मर्ज कर रही हूँ। देन आप देख सकते हैं कि लुक किस तरीके का क्रिएट हुआ है, और बहुत अच्छा आप देख सकते हैं कि उनका बेस बना है उनकी। आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब भी आप किसी भी क्लाइंट का मेकअप करते तो उनकी फुल बॉडी के टोन के अकॉर्डिंग ही आप उनको मेकअप करेंगे, उनका मेकअप करेंगे। बहुत ज़्यादा वाइट नहीं करना, बहुत ज़्यादा डल नहीं करना है, इक्वल आपको मेंटेन करनी है, उनका जो शेड है उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट की शेड देनी है, जो भी आपका कंसीलर है बेस है ये सब आपको उस तरीके से यूज़ करना है। देन उसके बाद अब मैं लेयर्स बना रही हूँ क्योंकि इनका एडवांस हेयर स्टाइल मैंने बनाया था, साइड की लेयर्स बनाई थी, तो फाइनली आप इनका देख सकते हो कि लुक किस तरीके से मैंने क्रिएट किया है। आई होप आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए, और आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा भूमि भाटिया मेकओवर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, सी यू।